लखीसराय जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ शराब तस्कर को तस्करी के लिए प्रयुक्त गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार अपराधी के पास से एक मास्केट, एक देसी लोडेड पिस्टल और 170 लीटर विदेशी शराब को भी जब्त किया गया है। सुरगढ़ा थाना अध्यक्ष चंदन को सूचना मिली थी कि झारखंड से अवैध आदमी शास्त्र हथियार और शराब के साथ कुछ लोग आ रहे हैं, तो उस सूचना के आधार पे हम लोगों ने टीम बनाई थी जिसमें SHO कबड़िया, SHO तेतरहाट और SHO आपके लखीसराय थाना, इन लोगों को लेकर टीम बनाई गई थी और उनको हम लोगों ने तेतरहाट से जमुई के बीच, ये तेतरहाट से जमुई मोड़ तक हम लोगों ने पूरी टीम लगा रखी थी। उसमें दो गाड़ियों की सूचना थी, तो जैसे ही एक मारुति की ऑटो थी वो देखने में, जैसे ही उसको रोका गया वो जो है हमारे पुलिस की गाड़ी में धक्का मारते हुए लगभग जान मारने के लिए सही गाड़ी में धक्का मारा। उसके बाद आगे ट्रॉली लगी हुई थी जहाँ पे जवान भी खड़े थे, उस ट्रॉली को भी उगाते हुए बोलेरो वाली गाड़ी टाउन की तरफ टाउन के लिए जो हमारी गश्ती गाड़ी थी और जो हमारे और भी सारे पदाधिकारी वहाँ पे थे उसका पीछा किया गया, तो वो जो है आपका धर्मराज शख्स के पास अंधेरे का फायदा उठाते हुए जो बोलेरो गाड़ी में थी गाड़ी छोड़ के और भाग गए। वहाँ पे टाउन थाना के एक वीरेंद्र कुमार राय है, वो अन्य वीरेंद्र कुमार राय उनके द्वारा उस गाड़ी में जाके चेकिंग किया गया और उसके बाद हमारे सारी टीम जो पीछे से थी वो भी पहुँच गई थी। उनके द्वारा गाड़ी में चेकिंग किया गया तो उसमें लगभग 180 लीटर रॉयल स्टेट विदेशी शराब था और उसमें दो अवैध हथियार, एक तो आपका देसी लोडेड पिस्तल था और एक मस्केट, ये जो है